देखिए मैं आपको आपको भिंडी की रेसिपी दे रही हूँ, बिल्कुल ख़ास तरीके से बिल्कुल झटपट बनने वाला नए अंदाज से। मेरे ख्याल से और लोगों ने पहले बनाया होगा तो हमें कमेंट में बताएंगे। तेल डाला, मेथी का फोड़न जाएगा इसमें। फोड़न बोलते या तड़का बोलते क्या बोलते आप लोग हमें बताइएगा। मैंने मेथी डाला, अब मेथी हो गया, अब इसमें ये मैं प्याज डालूँगी। थोड़ा सा हो जाएगा फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेरा प्याज इतना हो गया, बिल्कुल इसको लाल नहीं कर रहा। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, 2 सेकंड मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद इसमें टमाटर डाल दूंगी, जायका नमक जाएगा, और फिर ज्यादा मसाला नहीं जाएगा, बस अब हल्दी जाएगी। मैं हरी मिर्च डाल दिया, फिर लाल मिर्च बिल्कुल मैं नहीं डालूंगी। भूनूंगी मसाला, जब टमाटर एकदम वो हो जाएगा मसाले में कच्ची भिंडी डालूंगी। देखिए हमारा प्याज और ये इतने अच्छे से वो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा और नहायत रहम फरमाने वाला। उम्मीद है कि सब आप लोग अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी जिंदगी। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया, अब मैं इसमें भिंडी डाल के सिर्फ इसको दो मिनट इसमें बनाऊंगी, बस ज़्यादा देर नहीं करना। जल्दी फास्ट बन जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। जो कुछ मसाला तैयार किया और ना भिंडी फ्राई करना, फिर ना कुछ करना, बस आप बनाएं और खा के देखें। इस तरह से चिकन कढ़ाई झटपट बन जाता ना, ये भिंडी कढ़ाई है। इसकी रेसिपी तो आपने देख ली होगी, और अगर आपको नहीं आया तो हम इसको डाल दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे। इस तरह से इसको अच्छे से मसाले में 2 मिनट में अच्छे से मसाले में बस वो करेंगे। इस पर पानी वानी कुछ भी नहीं डालूंगी, बस इसी तरह से बस करूंगी और दम की चीज पे रख दूंगी। कुरान में लिखा है फबई अला रब्बिकुम वतुकज़्ज़िबान, तुम किस किस नेमतों को झुठलाओगे। तो देखिए इंसान एक सब्जी को कितने तरह से बना के खाता है, सोचिए। अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है इंसान को, इतनी तरह से इसको भिंडी फ्राई कर लेता है, भिंडी की सब्जी बना लेता है, भिंडी कढ़ाई बना लेता है, और जितना तरह से बनाइए उतना मज़ेदार होता है। तो इंसान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, जितना भी शुक्र अदा करे कम है, इसलिए हम लोगों को जितना भी शुक्र अदा करना चाहिए करते रहना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते
हम लोग नहीं कर पाते हैं, मैं भी नहीं कर पाती। दम के इस पे रख दूंगी, एक नींबू निचोड़ दूंगी। बहुत आदमी को गैस की शिकायत होती है तो भिंडी खाने से वो हो जाता है, तो नींबू निचोड़ दिया करें। अब तो ऐसे भिंडी जा रही है, अब तो हरी सब्जी ज़्यादा आएगी। हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी, हम सूखी रोटी से, चावल से, पराठे से, जिस चीज़ से भी खाइए, बहुत ही मज़ेदार है। अगर इसमें आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा छीट दें, हाँ तो और भी शानदार हो जाएगा। बिल्कुल तैयार हो गया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें भाई, आप लोग देखते हैं।